गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ETS इंग्लिश बाय टाइगर सर, लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राई एंगल्स। तो ट्राई एंगल्स में वैसे भी हमारी काफी क्लासेस हो गई थी। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑल सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में समझाया था। इंडिविजुअली भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड। और लास्ट क्लास में लेकिन मैंने आपको चारों एक साथ दिखाए थे कि किस तरह से इनमें डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज है। ठीक है, तो नहीं देखी तो देख लेना। आज हम क्वेश्चंस करते हैं, इंडिविजुअली भी क्वेश्चंस करे थे लेकिन आज हम जो है मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो आज आपको सरकम सेंटर के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, इन सेंटर के भी मिलेंगे। आपकी ये क्लास टू पार्ट में रहेगी, आज पार्ट वन है, कल पार्ट टू होगा। ठीक है, तो टू पार्ट्स में क्लास रहेगी। तो फटाफट जरा वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक। अच्छा, PDF आपको मिल जाएगी क्योंकि आज जो है मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगी। ठीक है, तो बोर्ड पर ही समझा दूंगी, बाकी डिटेल में आपको क्वेश्चन प्रॉपर लिखे हुए PDF में मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर मैं PDF अपलोड कर दूंगी आफ्टर द क्लास। अच्छा, ये हमारा मेन ग्रुप है इंग्लिश बाय टाइगर सर, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो आपका कोई भी इंग्लिश रिलेटेड डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है ETS रिलेटेड, तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ये वाले क्वेश्चन हम जरा लास्ट में देखेंगे, अभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। देखो, इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड रेडियस। अब कैपिटल R है तो ये बात तो तय है कि ये जो आपका AO है, AO ही आपकी रेडियस है। मैं लिख देती हूँ बल्कि, ठीक है, AO आपकी रेडियस है। अब AO रेडियस है तो आपको बहुत अच्छे से पता है सर्कम सेंटर के केस में R बराबर होता है आपका ABC बाय 4 डेल्टा। अब ABC तो मेरे पास है लेकिन डेल्टा नहीं है, एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, हेरोस फॉर्मूला से यहाँ पर फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो तो पहले तो यहाँ पर सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करो, जो कि आपका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27 और 9 36, और 36 का आधा कितना हो जाएगा आपका 18 आ जाएगा। अब लगा दो फॉर्मूला, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C कितना आ जाएगा। यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब। तो 4 यहाँ से 3 यहाँ से, तो आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ जाएगा वो आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल चुका है, अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है बस कितनी। अब देखो 17 ABC डिवाइडेड बाय 4 इंटू डेल्टा कितना निकाला है हमने, 36। कितनी बार में जाएगा ये, 4 टाइम में तो ये गया, 2 एंड देन 5, तो 85 बाय 8, तो लगभग ये कितना आ जाएगा 10.6 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, इजी। तो ये आपका क्या था, सर्कम सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन था। सर्कम सर्कल आप बहुत अच्छे से जानते हो किस चीज से बनता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, जो परपेंडिकुलर भी होता है और साइड को बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है, चलो इस तरह से सारी चीजें रिवाइज भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लेती हूँ यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, रुको जरा। एक ट्राइंगल है आपका XYZ, ठीक है, और इसमें XZ आपको गिवन है कितनी, 20, और नहीं XZ 20 नहीं है, XY 20 है, XZ है 25, और आपसे कहा गया है XP जो है वो एक एंगल बाइसेक्टर है, XP, ठीक है, ये XP जो है वो एक एंगल बाइसेक्टर है, और YP है आपका A सेंटीमीटर, ये A है, और ये है आपका PZ आपका A+3। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड XI एंड IP इफ
आई क्या है आपका, इन सेंटर, ठीक है। अब इन सेंटर आपको बहुत अच्छे से पता है, इन सेंटर किस चीज से बनता है, साइड सॉरी परपेंडिकुलर, क्या बोल रही हूँ, एंगल बाइसेक्टर से, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है आपका इन सेंटर, ठीक है। अब ये जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल आपका इक्वल है, यहाँ पर कहा गया है मान लीजिए आई है, तो इन दोनों का आपको रेशियो बताना है, ठीक है। अब आपको मैंने ये चीज बहुत अच्छे से समझाई थी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इन दोनों साइड का रेशियो होगा, मतलब 20/25 का जो रेशियो होगा वही आपका a/a+3 का होगा। ये का कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, तो 5a बराबर कितना हो जाएगा, 4a+12, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो a बराबर 12 आ जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि ये कितना होगा, ठीक है। अब हर उसे वर्टेक्स से जो है आपका रेशियो सेम ही बैठना है ना, जैसे कि भाई इन दोनों का जो रेशियो है वही इन दोनों का रेशियो होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसे ज्वाइन करा देती हूँ, ठीक है, अब इसका और इसका जो रेशियो होगा, मतलब पेन चेंज कर देती हूँ, 20/a का जो रेशियो होगा वही आपका एक्स आई बाय एक्स आई पी का होगा। ये चीजें सारी मैंने काफी गहराई से आपको समझाई हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर, जाकर देख लेना। अगर आप जो डायरेक्ट इस क्लास में आओगे तो चीजें बहुत दिक्कत करेंगी आपको, तो प्लीज आप प्रीवियस सेशन जरूर देखें, ठीक है, वरना ऐसी चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी ना, ए हमारा 12 था तो 12 ही रख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4/5 and 4/3, बस यही रेशियो है 5:3, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 5:3 आपका आंसर हो जाएगा। सो सिंपल, ठीक है। तो ये भी आपका पार्ट वन है, पार्ट टू मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी, जिसमें आपका कई सेंटर एक ही ट्राइंगल में आपको मोर देन वन सेंटर्स गिवन होंगे, ठीक है। चलो यू कैन कॉपी दिस देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जितनी जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो ग्रुप मैंने आपको बताया दिया, मैथमेटिक्स बाय फाकरम है, उसमें आप जो है ज्वाइन हो जाना, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना मुझसे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन एक ट्राइंगल है आपका और पी क्यू आर, अरे बड़ा छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे तो, P, Q and R, ठीक है। आपसे कहा गया है Q O R 110 गिवन है, ठीक, और O जो है वो इन सेंटर है, ठीक है। फाइंड आउट करना है एंगल Q पी आर, ठीक है, मतलब एंगल P आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब ये इन सेंटर है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक चीज बताई थी कि भाई ये सा जो एंगल है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टी थी कि बी ओ सी, क्योंकि हमने ट्राइंगल ए बी सी लिया था उस टाइम में, ठीक है, तो बी ओ सी जो है वो आपका 90+ ½ of angle A होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी। अच्छा, इन सेंटर है, किस चीज से बनेगा वो, आपका एंगल बाइसेक्टर से बनेगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं उसी पॉइंट को हम इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको 110 गिवन है, ठीक है। अब 110 ये पहले से गिवन है, 90+ ½ of angle A ही तो पूछा था आपका आपसे। अब 90 में 110 में से 90 जाएंगे, कितने बचेगा, 20, ठीक है। तो ए बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, ठीक है। बल्कि यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ए की जगह ना पी लिख देती हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पी बाई टू, तो पी बाई टू 20 था, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, तो क्यू पी आर आपका कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ईजी। अब इस तरह के क्वेश्चन करोगे ना कि इन सेंटर में आपका 90+ a/2 होता है। अच्छा, अगर यही बाहर की तरफ होते, अगर मान लीजिए क्यू का एंगल बाइसेक्टर बाहर की तरफ होता और R का भी बाहर की तरफ होता, तो उस केस में क्या हो जाता, अगर बाइसेक्टर बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपका B और C बराबर 90 - ½ of angle A हो जाता है। कब, जब आपके ट्राइंगल के जो बाइसेक्टर हैं वो कुछ
इस तरह से बने होते हैं, ठीक है, जैसे ये इसका ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होता है आपका, ये आपका 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ये हो जाता है। अंदर की तरफ बनेंगे तो प्लस, बाहर की तरफ जाएंगे तो माइनस, ठीक है। तो ये चीजें सारी नोट कर लेना। चलो देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन अ ट्राइंगल एंड इसकी वर्टिसेस क्या क्या गिवन है आपको, ए बी सी, ठीक। ए बी सी आपको गिवन है और ए जी परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के, और ये परपेंडिकुलर है आपके किसके, ओनली परपेंडिकुलर एच के, और ये है आपका आई, ठीक है, और ये पॉइंट आपका ओ है। आपसे कहा गया है एंगल बी जो है वो 44 है एंड कहाँ गया ये रहा, एंगल सी आपको 66 डिग्री गिवन है। फाइंड आपको करना है बी ओ सी, ठीक है। ये क्या है आपके, बी एच सी आई एंड आपका ए जी, ये जो है आपके खाली परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। और तो कुछ नहीं है गिवन, नहीं। चलो अब देखो परपेंडिकुलर गिवन है। देखो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता तो आपका ये जो ओ है ना ये आपका सर्कम सेंटर बन जाता, लेकिन अब ये खाली क्या है, अब ये ओनली आपका परपेंडिकुलर है। इट मींस ये आपका जो ओ है परपेंडिकुलर जहां पर बाइसेक्ट होते हैं या फिर एल्टीट्यूड जहां पर बाइसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, ठीक है, लंब केंद्र बोलते हैं उसे, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है अगर मुझे चाहिए ट्राइंगल बी ओ सी तो ये क्या होता है, ये तो 180 माइनस एंगल ए होता है, ठीक है। अब ये आपको कितना गिवन है, 44, ये कितना है 66, तो जाहिर सी बात है एंगल ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 110, मतलब एंगल ए हो जाएगा आपका 70। तो अगर मुझे बी ओ सी फाइंड आउट करना है तो 180 में से 70 में माइनस कर दूं तो अल्टीमेटली 110 ही आना था, ठीक है, और 110 क्या हो जाएगा आंसर, तो आपका जो बी ओ सी है वो आपका 110 डिग्री हो जाएगा। सो सिंपल, ठीक है। देखो अगर आपको ये चीजें ध्यान रहती ना, अभी आपको लग रहा होगा यार कितने इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पुट करो और आंसर आ गया, ठीक है। ये चीजें तब हमें इजी लगती है जब हमें चारों सेंटर्स के बीच काफी अच्छे से डिफरेंसेस पता होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है जब हमारी कमांड हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की होती है। ये क्या हो रहा है, जब हमने प्रैक्टिस की होती है तभी हम इस तरह के क्वेश्चंस कर पाते हैं, अदरवाइज एग्जाम में जाकर ना या जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं ना माइंड में से ना सारी चीजें हमारे एकदम से जाने से लगती हैं कि यार कौन सा कहाँ लगाना था, 180 माइनस ए था या फिर 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए था, ये सारी चीजें माइंड में घूमने लगती हैं। ये क्यों घूमने लगती है, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। तभी तो मैं इसका बहुत जल्द प्रैक्टिस बैच लाने वाली हूँ, मैं आपको इतने ढेर सारे क्वेश्चंस करा दूंगी ना कि कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा, ठीक है, जिस तरह से हमने अर्थमेटिक में करा था। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्लीज गाइस जरा वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है पी क्यू आर इंस्क्राइब इन अ सर्किल, पी क्यू आपको 12 गिवन है और क्यू आर आपको 16 गिवन है और पी आर आपको 20 गिवन है, ठीक। फाइंड सर्कम रेडियस, फाइंड आर लिख देती हूँ, इट मीन्स सर्कम रेडियस आपसे पूछी गई है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर जो है लैक ऑफ प्रैक्टिस जो है आपका ये क्वेश्चन गड़बड़ करा
सकती है, क्योंकि आपको आदत हो जाती है इस तरह से ट्राइंगल ड्रॉ करने की। ना ही आप ये देखते हो कि ये ऑब्ट्यूज है, या ना ही आप ये देखते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल बनाने की तो आदत यही वाली पड़ जाती है ना। तो देखो ये सारी चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई ये जो है ना ये ट्रिपलेट है 20, 16 और 12 का। कैसे भाई, 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस आपके 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाता है 400। ये कितना हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर और इसका आपका 144, और ये कितना हो जाएगा आपका 196। तो देखो कितना आ जाएगा, 411 है, ठीक है। क्वेश्चन में गड़बड़ी है क्या, 19 वो सो नहीं आ रहा। रुको जरा क्वेश्चन चेक कर लें। क्वेश्चन तो ठीक है, फिर गड़बड़ी कहाँ हुई। चौदह का स्क्वायर लिख कर बैठी हूँ मैं, दिमाग चल गया है मेरा सब। 16 का स्क्वायर 256 होता है, ना कि 196, ठीक है। 196 तो आपका 14 का हो जाएगा, ठीक है। तो तभी तो कहूँ मैं तो सम कैसे नहीं आ रहा, 400, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है, जब ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है। तो ये चीज चेक कर लिया करो कि भाई ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा। अब देखो यहाँ पर जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आने को, तो ये आंसर आपका अगर आप नॉर्मल ट्राइंगल भी बनाते तब भी आ जाता, पी क्यू और आर, ठीक है, पी क्यू 12 ओ आर 16 और ये आपका कितना है 20, ठीक है। अब आपसे सर्कम रेडियस पूछी गई है, अब चाहो तो आप नॉर्मल ट्राइंगल से भी निकल जाता, आंसर सेम ही आना था, लेकिन देखो कितना लेंथी हो जाता अगर आप जो है इसे एक एक्यूट ट्राइंगल से बनाते तो, ठीक है। राइट एंगल है, राइट एंगल की प्रॉपर्टी फॉलो करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। भाई मैंने आपको बताया था ये सर्कम रेडियस है। अब जो सर्कम रेडियस जो होती है, अब वो सर्कम सर्कल एक्चुअल में बनता कैसे है, एक्चुअल में जो सर्कम रेडियस होती है वो क्या होती है, जहां पर आप ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्ट करते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक इसका यहाँ से आएगा, इसका यहाँ से आएगा, तो इस जगह पर बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपका एक तरह से सर्कम रेडियस कहलाता है, मीन्स ये और ये रेडियस हो जाएंगी, ये भी आर और ये भी आर, तो ये सब तीनों आपस में इक्वल है। और यहाँ पर R बराबर क्या हो जाता है, कैपिटल R कर देती हूँ मैं, ठीक है, और R बराबर हो जाएगा ये 2/20/2, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होती है ना कि जो है भाई सर्कम सर्किल में जो आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे, वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर जाकर मिलते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे ये सारी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको, सर्कम सर्किल वाली वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है। अब आप आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये 20 है तो 10 ये, 10 ये और 10 ये आपका सिंपल, ठीक है, नोट कर लो। चलो भाई, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा था ये आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई ये है सर्किल, सर्किल के अंदर है एक ट्रायंगल, तो जाहिर सी बात है ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्कम सर्किल फॉर्म है ये, है ना, सर्कम सर्किल हो गया ये आपका। और इसमें आपको ए बी सी गिवन है, ए बी सी एंगल बी ओ सी आपको गिवन है, कितना है यह है आपका 60, फाइंड एंगल ए, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और ओ जो है ये आपका क्या है, ओ जो है सर्कम सेंटर, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि आपका जो बी ओ सी है इस केस में, जहां पर आपका O क्या है एज अ सर्कम सेंटर, CC से मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है, तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइस ऑफ एंगल A, ठीक
ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए मतलब ये अगर ए है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका बी ओ सी 60 है तो एंगल ए कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, विद इन सेकेंड में होते हैं इसके क्वेश्चंस, अगर आपको प्रॉपर्टी लर्न है तो, अगर नहीं है तो लगाते रहो दिमाग, ठीक है, नहीं आएगा। या फिर अगर जो है आपकी प्रैक्टिस में कमी है तो क्या करोगे, सर्कम सेंटर का इन सेंटर में लगाओगे, इन सेंटर का सर्कम सेंटर में, सेंट्रोइड का सेंट्रोइड का फिलहाल होते ही है, तो जो है आप जो और तो सेंटर का सर्कम सेंटर में ना मिक्स कर दोगे। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमने कर लिया। ये वाला भी हो गया ना सरकम से ए बी सी। चलो चलिए अब हम चलते हैं अपने उस क्वेश्चन पे जो हमारे बचे थे। ठीक है, वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, जब भी मैं चाह रही थी पहले ये हो जाए बाद में हम इन क्वेश्चंस पर आए। ठीक है, देखो, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल विद ए बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इंस्क्राइब हुआ हुआ है सर्किल के अंदर, मतलब सर्किल के अंदर ट्राइंगल हमारा बना हुआ है जो कि क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तीनों साइड इक्वल, ईच एंगल 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से चीजें रिवाइज करते हुए चला करो तो आसानी होगी। ठीक है, इन सेंटर आए तो इन सेंटर की प्रॉपर्टीज रिवाइज करो माइंड में, सर्कम सेंटर आता है तो सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी रिवाइज करो। अब जिस तरह से यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल आया है तो इसकी हाइट, इसका एरिया, इसकी प्रॉपर्टीज, ये सब आपको जो है माइंड में रिवाइज करनी होती है, तभी आपकी जो मैथ्स है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, अब ए बी आपको 8 गिवन है तो जाहिर सी बात है ये सब आपकी क्या होंगी, 8 8 8 की होंगी। आपसे कहा गया है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट्स ए सी एट एक्स, जो बाइसेक्टर है। किसका है भाई, साइड ए सी का, एंगल ए का, मीट ए सी एट एक्स। ठीक है, ये भाई यहां पर मिल रहा है एक्स पर, एंगल बाइसेक्टर है, इट मींस ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। क्यों होगा, बहुत अच्छे से पता है आपको, एंगल बाइसेक्टर है, 60 का एक है तो आधे आधे 30 30 के हो जाएंगे, और ये सर्किल पर वाई पर जाकर मिल रहा है। ठीक है, रुको जरा, इरेजर लेनी पड़ जाएगी। ये आ जाएगा वाई पर, ये आ जाएगा एक्स पर। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, 2 × bx × by। ठीक है, अब देखो ये एंगल कितने का होगा, 60 का, ये तो बात पता होगी आपको। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल बाइसेक्टर है आपका, ये जो है अगर आप देखो ये आपको बाइसेक्ट करेगा कितने पर, 90 डिग्री पर। ठीक है, क्यों भाई 90 डिग्री पर, देखो ये 60 है, ये 30 है तो बचा हुआ एंगल 90 ही तो बचेगा आपका भाई, एक 60 है एक 30 है, तो अगर ए बी एक्स में अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या फाइंड आउट करो, यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा लगा देती हूँ, साइन 60 मुझे चाहिए क्या, ये तो देखो 4 4 हो जाएगी, अगर ये परपेंडिकुलर आ गया ना तो ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, चाहो तो साइन थीटा लगा के भी फाइंड आउट कर सकते हो, तब भी इक्वल आएगी। वैसे ये जो है जब आप कॉट पे जो है ये क्या हो गई, एसी क्या है, सर्किल की कॉर्ड है, और जब सर्किल की कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डलता है ना तो ये क्या करती है, आपस में इक्वली बाइसेक्ट करती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है जब हम सर्किल पढ़ेंगे तो डीपी जानेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा से भी निकाल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, वैसे ये 4 4 में हो जाएगी। ठीक है, अब ये 4 है, मुझे चाहिए क्या, बी एक्स, बी एक्स चाहिए। अगर आप देखो बी एक्स क्या है, बेस है, तो मुझे एक ऐसा एंगल चाहिए जिससे मेरी बी एक्स आ जाए, तो परपेंडिकुलर बाय बेस है ना, तो अगर मैं यहाँ पर साइन 60 लगा देती हूँ, साइन 60, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी, 8, साइन 60 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू बी एक्स, एंड 8 कितना हो जाएगा, 4
तो बी एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4√3। ठीक है, नो इशू। चलो पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखो बी एक्स तो मेरे पास आ गया है, लेकिन मुझे अब एक्स वाई चाहिए। एक्स वाई कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो ये आपका 4 है, ये 90, तो इधर भी आपका 90 होगा। ठीक है, देखो इसको कुछ इस तरह से देखो। ठीक है, ये 90, ये आपका है ए, ये पॉइंट है आपका कहाँ पर कट कर रहा था, एक्स, और ये है आपका वाई। ठीक है, तो ये जो है आपका 4 है। वैसे तो यहाँ पर ट्रिपलेट लगता है 4, 5 और 3 का। ठीक है, तो आप जो हो चाहो तो यहाँ पर 10 60 लेकर भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। ये 3 आएगा, 10 60 कैसे लोगे, सेम कॉर्ड पे सेम आर्क पे बनने वाले। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी कॉर्ड है ए बी। ठीक है, अब इस कॉर्ड पे ये वाला एंगल, ठीक है, अगर एक्स है तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है 60 लेकर भी इसे सॉल्व कर सकते हो, नो इशू। लेकिन जो है क्यों, सर क्या जरूरत है आपको 60 लेकर सॉल्व करने की, जब जो है यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है, 5, 4 और 3 का ट्रिपलेट होता है भाई, है ना। तो अगर ये 4 है तो ये कितना बचेगा, ये 3 ही बचना था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 है ये भाई, 3। ठीक है, तो आपका जो एक्स वाई है वो कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा आपका 3। अब आपसे क्या पूछा गया है, 2 इंटू बी एक्स कितना है, 4√3। ठीक है, इंटू बी वाई, बी वाई कितना हो जाएगा, बी वाई आपका हो जाएगा, अगर आप देखो यहाँ से बी वाई मुझे कैलकुलेट करना है, तो बी एक्स, बी एक्स कितना है, 4√3 प्लस कितना, 3। कुछ गड़बड़ी आ रही है क्या? क्या दिक्कत हुई, ये तो 5 आएगा, ये 3 आएगा, तो बी वाई तो आपका आ जाएगा कितना, 4√3। ये 30, तो अगर हम इसे मिला देते हैं तो अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ मिला दूँ तो ये 60, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 60। ठीक, ये आपके पास 8 है ही, रुको जरा एक मिनट, 10 60 लगा कर देखते हैं। ठीक है, 10 60 डिग्री, ये समझ गए ना। देखो ये है बी सी आर्क, एंगल बी ए सी एंड एंगल बी वाई सी बराबर होंगे, ये 60 है तो ये भी कितना होगा आपका, 60 डिग्री होगा। तो 10 मैंने 60 लिया, 10 60 ही क्यों लिया, अभी जरा रुको जरा। ठीक है, इसमें जो है ट्रिपलेट फॉलो नहीं हो रहा है ना, जरूरी नहीं है 4 के साथ यही है, तो इसलिए मैं चेक कर रही हूँ। ठीक है, आंसर मैच नहीं हो पा रहा था। देखो 10 60 मैंने ही क्यों लिया, क्योंकि भाई आपको पी बी पी एच एच बी, ठीक है, साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉसेक सेक एंड कॉट, तो मैंने मुझे चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यों चाहिए, देखो ये 60, ये 30, तो ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर मुझे चाहिए कितना आपका, कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ पर, 8। ठीक है, और बेस कितनी हो जाएगी यहाँ पर, एक्स वाई, सॉरी हाँ एक्स वाई हो जाएगी। 10 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू 4 आएगा ना, 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 बाय एक्स वाई, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा आपका, 4√3/4। ठीक है, √3/4, अब इनको जरा ऐड कर लो, √3। गड़बड़ी क्यों आ रही है क्वेश्चन में, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि आंसर मैच नहीं होगा ऐसे तो। अगर मैं यहाँ पर ट्रिपलेट भी लगा लूँ 4, 3 और 5 का, तब भी जो है आंसर मैच नहीं हो रहा, बल्कि हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 3 है आपका, ये 4 है तो ये 3 होगा, वो 5 आ जाएगा, 90 डिग्री है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी हुई है। ठीक है, कल जो है जब नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो इस क्वेश्चन को मैं साथ में ले लूंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई जरूर है इस क्वेश्चन में, तभी एक बार में आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, देखते हैं क्या गड़बड़ी हुई है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, इन द ट्राइंगल फिगर इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 64 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर डी ई एंड ई जो है मिड पॉइंट है ए बी सी के, पी क्यू आर जो है मिड पॉइंट है किसका आपका, डी ई एफ का। ठीक है,
देखो ये जो है आपका सेंट्रोइड से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें का मैंने आपको पूरा थ्योरम ही समझाया था, ठीक है, अभी याद आ जाएगा आपको। देखो ये एबीसी आपका ट्राइंगल गिवन है। अब एबीसी के मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट मिलकर जो है इस तरह से ट्राइंगल बना रहा है, और ट्राइंगल का नेम क्या है, पी क्यू और आर है, ठीक है, सॉरी डीई एफ है, डीई एफ है भाई, डी ई एंड एफ, ठीक है। आपसे कहा गया है मिड पॉइंट जो है ना ए बी सी के, डी ई एफ के, वो आपके पी क्यू आर है, पी क्यू आर, और आपसे पी क्यू आर का एरिया पूछा गया है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज समझो, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई मिड पॉइंट है, जब आप मिड पॉइंट से मिड पॉइंट कनेक्ट कर देते हो तो क्या होता है, सारी चीजें आधी आधी हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहां से ये कनेक्ट करूंगी तो इसका एरिया आधा हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले का कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, पूरे का उसका आधा हो जाएगा। अब मैं इस तरह से कर दूं और इस तरह से कर दूं, ठीक है, तो ये मैंने अगर सारे मिड पॉइंट मिला दिए, एक मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिलाने पर जब एरिया हाफ हो रहा था, यहाँ तो मैंने तीन तीन मिड पॉइंट बना दिए, और यहाँ पर 1 2 3 4 फोर इक्वल ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं जिनका एरिया इक्वल है। तो अगर जो है एक ट्राइंगल का एरिया आपका 64 है तो फोर ट्राइंगल्स का कितना हो जाएगा आपका, 16, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ इसका भी 16, इसका भी 16, 16 और ये 16, ठीक है, इन सभी ट्राइंगल का एरिया आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ खाली आपका डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ की हम बात कर रहे हैं। अब डी ई एफ जो है कुछ आपका इस तरह से बना है, ठीक है, डी ई एफ। अब इसके भी मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया गया है, अब इसके भी मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करा दोगे तो इन सबके एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मिड पॉइंट से मिड पॉइंट ज्वाइन कराओगे, सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से मेडियन में समझाई थी सेंट्रोइड वाले चैप्टर क्लास में, तो जाकर प्लीज आप देख लेना, ठीक है। अब ये 16 है, बाकी का अगर मैं देखो 4 में डिवाइड करा दूं कितना हो जाएगा, सबके एरिया 4 4 4 हो जाएंगे, और आपसे इसका एरिया पूछा गया था कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इजी, ठीक है। आसान था ना ये क्वेश्चन, बढ़िया था, समझ गए ना। डायरेक्टली भी आप इसे कर सकते थे वैसे, अगर आप चाहते हो तो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कराकर जो है क्या कर सकते थे, 64 को 8 से डिवाइड कराओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो आपका आ जाएगा 12 से 16 से डिवाइड करा दो 64 को, है ना, 64 को 16 से डिवाइड करा दो, क्योंकि 16 ट्राइंगल यहाँ पर बन रहे हैं, 4 ये और 4 ये, ठीक है, तो 16 ट्राइंगल से डिवाइड कराओ कितना आएगा, 4। तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर डीपली समझाया है, प्रैक्टिस बैच में इसमें ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करो फिर अब जो है डायरेक्ट ट्रिक पर जाओ, ठीक है, ऐसे नहीं डायरेक्टली आप ट्रिक पे जो है चले जाओ, पहले बेस स्ट्रॉन्ग करो फिर ट्रिक से क्वेश्चन करो, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होगे, पूरे का एरिया 64 था, ठीक है, फिर ट्राइंगल को मिड पॉइंट से कनेक्ट किया तो कितना हो जाएगा, एक का 16 हो जाएगा, फिर उसके अंदर एक और ट्राइंगल है जिसको मिड पॉइंट से कनेक्ट किया तो उनका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके
ठीक है, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखो भाई, इसमें आपसे कहा गया है इन द एडज्वाइनिंग फिगर, तो मैं पहले तो फिगर बना देती हूँ इसकी, ठीक है। अरे बड़ी गंदी बनी है। अब सही है, ठीक है। आपका क्या है, ABC, ए बी और ये आपका सी। एंगल ए आपको कितना गिवन है, एंगल ए आपको जो है, अच्छा इसमें फिगर गिवन है, रुको जरा, फिगर इसमें गिवन है, ये रही, यहाँ पर है आपका ए, ये है आपका सी, ये है आपका बी और ये पॉइंट है आपका डी, ठीक है। एंगल ए आपको 120 गिवेन है और आपसे पूछा है रिलेशन आपको बताना है, कौन सा रिलेशन सही है, ऑप्शन नहीं है, डोंट वरी मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। देखो इसमें सिंपली अगर आप देखो ए सी, तो आपको पता है ए के सामने की साइड जो है आपकी ए होगी, बी के सामने की साइड आपकी बी होगी और सी के सामने की साइड सी होगी, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं कॉस 120 लगा देती हूँ तो क्या होगा आपका, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2BC, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू, जब हम साइड फाइंड आउट करते हैं उसके लिए। अब यहाँ पर कॉस 120 है, अब आप देखिए यहाँ पर जब कॉस को मैं 90+ थीटा में ब्रेक करूंगी तो कॉस 90+ थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। अब 90+ थीटा मतलब कॉस आपका क्या रहेगा, 90+30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 30 डिग्री, और आपको पता है माइनस का साइन 30 डिग्री कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो कॉस 120 की वैल्यू इतना से क्या आ जाएगी, माइनस का 1/2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाय 2AB2BC, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा आपका, माइनस का बी सी बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस, रुको इसको मैं यहाँ लिखना चाहूंगी क्योंकि इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चन भी रहेंगे। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये प्रूफ है, ठीक है। इस पे जो है डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सीजीएल मेंस में ये आ चुका है, 4 इक्वेशन थी और आपको एक सेलेक्ट करनी थी, आप तभी सेलेक्ट कर पाते जब आपको पता होता कि एक्चुअल में क्या है। डायरेक्टली जिन बच्चों को इसका आंसर पता था, ठीक है, जिन्होंने पहले से ये प्रूफ कर रखा था, उन्होंने डायरेक्टली करके चले गए, जिनको नहीं पता था उनको इस तरह से सॉल्व करना पड़ा, बट अब आपको भी पता चल गया है, तो नेक्स्ट टाइम से अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। चलो तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और आपका प्लस का बी सी, ठीक है। और यही क्या है आपका आंसर है, ढेर सारी इक्वेशन गिवन थी, कहीं पे यहाँ पर माइनस लगा था, कहीं पे 2 था, तो फिलहाल यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, और कोई क्वेश्चन नहीं, चलो आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन आपका बचा है, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, ये मैं चेक कर लूंगी फिर आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, वरीड मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम कल क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या रहेगा, जो अभी क्या आज की क्लास में मैंने आपको इंडिविजुअली क्वेश्चंस कराए ना, इन सेंटर का अलग था, सरकम सेंटर का अलग था, सेंट्रोइड से रिलेटेड अलग क्वेश्चंस थे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें जो है एक ही ट्राइंगल में आपको मोर देन वन सेंटर गिवन होगा, जैसे इन सेंटर और सरकम सेंटर साथ में है ना, इस तरह से। तो नेक्स्ट क्लास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज गाइज आप प्रीवियस सेशन जरूर देखें, जिससे कि जो है आपको क्लियरिटी आगे की क्लासेस में होती रहे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, जरा वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।